नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का स्ट्रीट जीरो क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों मैं आपके लिए कुछ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेकर आया हूँ, प्लीज़ आप इसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये जो अनाउंसमेंट है ये स्पेशली रिलेटेड है एमपीपीएससी प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट सीरीज़ और मेंस की मॉक टेस्ट सीरीज़ के रिलेशन में। आपको पता है कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है 2019 वाला, तो उसी के संदर्भ में ये लेक्चर है या ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ मॉक टेस्ट सीरीज़ के बारे में, प्रीलिम्स की और मेंस की दोनों के लिए ही ये मॉक टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है और स्पेशली ये हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। पहले सिर्फ इंग्लिश में थी लेकिन अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है। ठीक है, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप जो भी लैंग्वेज ऑप्ट करना चाहते हैं उसमें आप इस मॉक टेस्ट सीरीज़ को दे सकते हैं। जो प्रीलिम्स वाली मॉक टेस्ट सीरीज़ है इसमें 50 फुल लेंथ टेस्ट हैं। कितने? 50 फुल लेंथ टेस्ट हैं। ठीक है, तो इस ये क्यों लेके आए हैं आपके लिए, ये इसलिए लेके आए हैं कि देखिए अब आपको क्या करना है, रिवीजन करना है और रिवीजन के लिए टेस्ट प्रैक्टिस से ज़्यादा अच्छा तरीका होता नहीं है। इससे आपका जो भी कंटेंट जो आपने अभी तक पढ़ लिया होगा, पढ़ने की सोच रहे होगे या नहीं पढ़ा होगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाएंगी। तो ये 50 फुल लेंथ टेस्ट प्रीलिम्स के लिए आपके लिए अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। ये बाइलिंगुअल हैं आपके और ये पता है बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, 499 रुपीज़ में है। इस टाइप का 50 ऑनलाइन टेस्ट हैं, ये सिलेबस के हिसाब से हैं और इसमें आप अपनी स्टैंडिंग मतलब जितने भी बच्चों इसमें अटेंड करेंगे तो आपकी क्या रैंक रहती है वो भी आप इसमें देख सकते हैं। इस टाइप का ऑप्शन आएगा जब, और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको परचेज करने से पहले इसका डेमो मतलब एक टेस्ट जो है वो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करने वाला है। ठीक लगे तो परचेज करना, अदरवाइज मैं आप सबको बस ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप इसका एक टेस्ट देखें। इफ़ यू फील गुड, इफ़ यू फाइंड इट कन्वीनियंट, तो ही आप इसको परचेज करें। मेरी ये आपको सिंसियर एडवाइस है कि प्लीज़ एंड प्लीज़ आप ये जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है इनको अटेंड करें। जब आप इसके ये डेमो वाले बटन पे क्लिक करोगे ना तो देखिए क्या होगा, इस टाइप का ये ओपन होगा जिसमें 100 क्वेश्चन हैं हर एक टेस्ट पेपर में, 200 मार्क्स के, 120 मिनट्स यानी टाइम के साथ ये पेपर चलेंगे। जैसे ही आप गो टू टेस्ट पे जाते हो तो फिर क्या होगा, ये इस टाइप की स्क्रीन खुलेगी। अब इसमें आप ये देखिए ऊपर आपका टाइम चलेगा तो आप टाइम के हिसाब से कि टाइम के रहते रहते आपको पेपर कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपको देख रहे हो, यहाँ पे आप लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हो, इंग्लिश में देना है या हिंदी में देना है। इस तरीके से ये इंटरैक्टिव टेस्ट पेपर है। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आपने कितने अटेम्प्ट किए, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। उसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे जब आप पेपर अपना सबमिट कर देते हैं तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपने 100 क्वेश्चन थे, 2 सही क्वेश्चन के जवाब दिए, 7 जो हैं वो आपके इनकरेक्ट हैं, 91 जो हैं आपने अभी तक क्वेश्चन देखे ही नहीं है और आपने टोटल कितना स्कोर किया है। तो आप देख रहे हो इसमें आपको एकदम टेस्ट रिपोर्ट आएगी रियल टाइम में। उसके अलावा जब आप टेस्ट रिपोर्ट देख लेते हो तो आपको ये चीज़ भी देखने को मिलेगी कि आप तुरंत रिव्यू कर सकते हो कि इस वाले क्वेश्चन में क्या आपने ये आंसर दिया था, ये आंसर गलत है और ये आंसर सही है। यहाँ से आप देख सकते हो आपके कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं, कौन से क्वेश्चन गलत हैं। तो यानी आप तुरंत उसी रियल टाइम में अपने पेपर को रिवाइज भी कर सकते हो, समझ रहे हो, रिवीजन भी आप कर सकते हो। तो इसीलिए ये टेस्ट सीरीज बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाई गई है और आप रियल टाइम में आंसर्स मतलब पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो, आंसर्स को देख सकते हो। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। उसके अलावा अगर हम बात करें मेंस की मॉक टेस्ट सीरीज की तो इसमें 18 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 3-3 टेस्ट पेपर हर पेपर के लिए, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6। देखिए आज के टाइम में जो भी जैसे जो फर्स्ट टाइम एस्पायरेंट है उनके लिए तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो दूसरी तीसरी चौथी बार हैं वो इस बात को समझते हैं कि आप भले सिलेबस कितनी बार भी कवर कर लो या रिवाइज कर लो, अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपके जो चांसेस ऑफ सिलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। और अगर आप किसी भी सीनियर प्लेयर से किसी टीचर से पूछते हैं तो वो भी आपको ये बोलेंगे कि मॉक टेस्ट पेपर दो, मॉक टेस्ट पेपर दो। अब मॉक टेस्ट पेपर में क्या होता है, जब आप किसी भी कोचिंग वालों के टेस्ट पेपर को देते हो ना तो वो लोग डेलिबरेटली उसे टफ बना देते हैं बच्चों को डराने के लिए। जबकि अगर आप एमपीपीएससी का एग्जाम पैटर्न देखो, पहली बात तो क्वेश्चन बड़े ईजी होते हैं, फैक्चुअल होते हैं और रिपीटेटिव होते हैं। तो यानी इसे में क्या बात समझ में आती है कि आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना है या एक्स्ट्रा टफनेस को नहीं देखना है, आपको सीखना है कि पेपर को कैसे कंप्लीट किया जाता है इन दी गिवन टाइम। तो एक तो कंप्लीट करना सीखना है, दूसरा स्ट्रक्चरिंग सीखनी है। तो उसके लिए ये 18 मॉक टेस्ट पेपर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जिनकी आप प्रैक्टिस करोगे घर पर। इज दैट क्लियर?
और फिर उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे ये वाली जो पूरी टेस्ट सीरीज है, ये भी आपको 1199 में प्रोवाइड की जा रही है। इसमें भी आप डेमो टेस्ट पेपर मिलेगा और आप इसे परचेज कर सकते हैं। अब इसमें आपको क्या क्या होगा प्रोवाइड, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें होगा, देखो आप जब अपना टेस्ट पेपर देते हो, अब मेंस का जो टेस्ट पेपर होता है उसको तो आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, तो इसीलिए आप इसमें पेपर का प्रिंट आउट निकालोगे। प्रिंट आउट निकालने के बाद आप उस पेपर को लिखोगे ब्लैंक पेजेस पे, ठीक है। इसके लिए आपको कॉपीज सेंड कर दी जाएंगी, आप उन कॉपीज का प्रिंट आउट निकाल लेना। जैसे एमपीपीएससी मेंस में आपको आंसर शीट मिलती है वैसी आंसर शीट आपको भेजी जाएगी, आप उसमें आंसर्स लिखेंगे, उसे आप सबमिट करोगे, उसकी पीडीएफ को सबमिट कर दोगे, तो आपको एक्सपर्ट द्वारा फीडबैक दिया जाएगा, आपको रिव्यू दिया जाएगा। फीडबैक और रिव्यू में क्या होगा कि आपको बताया जाएगा आपने किस क्वेश्चन में कैसी स्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए थी, क्या गलत किया, क्या सही किया, आपको आपको नंबर स्कोर दिया जाएगा। उसके अलावा आपको मॉडल आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे आप रिवीजन भी कर सकते हो और प्रिपरेशन भी कर सकते हो। उसके अलावा ये 18 टेस्ट पेपर मान लो किसी को लगता है बहुत कम है, उसने ये सारे अटेम्प्ट कर लिए, तो अब क्या करें, जो आप इसमें बाकी के भी कहीं से अगर आपके पास टेस्ट पेपर हैं पुराने साल के एमपीपीएससी के पेपर्स हैं तो आप उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इज दैट क्लियर? हम उनको भी रिव्यू करके आपको सबमिट करेंगे। आप डेली बेसिस पे भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो और आप हमसे रिव्यू करवा सकते हो। सो दिस इज ऑल विच इज इंक्लूडेड इन एमपीपीएससी मॉक टेस्ट सीरीज। अब एक्सेस कैसे करना है, तो देखो आपको क्या करना है, www.streetzero.com वाली वेबसाइट पे जाना है। ऐसी एक विंडो ओपन होगी, वहां पे आपको ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक करना है। क्लियर है? कहां पे क्लिक करना है? ऑनलाइन टेस्ट पे। www.streetzero.com पे जाएंगे और ये वाली आपकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये जो ऑनलाइन टेस्ट लिखा है इस पे आप क्लिक करेंगे। बाकी इस वेबसाइट पे आपको डेली के करंट अफेयर्स, डेली की क्विज, ये सारी चीज़ें तो मिलेंगी ही मिलेंगी। यहाँ पे आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे, जो आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो ना वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये ऑनलाइन टेस्ट पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपकी इस तरीके की स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जहाँ पे ये एमपीपीएससी का आप सेक्शन देख रहे हो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके अलावा एमपीपीएससी के अलावा यहाँ पे एसएससी के टेस्ट पेपर, रेलवेज के टेस्ट पेपर, मध्य प्रदेश पुलिस के टेस्ट पेपर, आईबीपीएस के टेस्ट पेपर, ये सारे भी प्रोवाइड किए गए हैं। बट अभी हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी की। तो जब आप यहाँ पे ये जाते हो, क्लिक करते हो, तो आपकी इस टाइप की विंडो खुलेगी जहां पे आपके एमपीपीएससी प्रीलिम की टेस्ट सीरीज और मेंस की मॉक टेस्ट सीरीज लिस्टेड है। आप चाहें तो डेमो भी दे सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए अफोर्डेबल रहे इसीलिए ये जो रिड्यूस प्राइस है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, तो इसीलिए आपको जो रियल कॉस्ट है उसी में ही प्रोवाइड किए जा रही है, ठीक है। तो प्लीज आप ये वहां पे जाके ऐसे परचेज कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसको एक्सेस करने का, ये एक और आपके सामने लिंक दी हुई है, इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो वहां पे जाके भी आप इसको क्लिक करके डायरेक्टली टेस्ट सीरीज को अवेल कर सकते हैं या उस वेब पेज तक पहुंच सकते हैं। तीसरा तरीका, अगर मान लो आपके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, या फिर आपको ये हैंडी नहीं लगता है, तो क्या किया गया है, एक एंड्रॉयड ऐप डेवलप करवाई गई स्ट्रेट जीरो की। आप प्ले स्टोर में जाएंगे, streetzero.com क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन आ जाएगा। इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अपने टेस्ट पेपर आते जाते, घूमते बैठते कभी भी ये टेस्ट पेपर्स को दे सकते हैं। तो ये एंड्रॉयड ऐप है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अच्छा, उसके अलावा अगर मान लो टेस्ट पेपर को अवेल करने में कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। ये आपके सामने नंबर लिखा हुआ है 8447022777 और ये है 9999715301। आप इस पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर टेस्ट पेपर में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कैसे एक्सेस करना है। और देखिए वहाँ पे लिमिटेड टेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं इस प्राइस में, मेरे ख्याल से या तो 30 टेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं या 50, मतलब सिर्फ 30 या 50 लोग ही दे सकते हैं, ऐसा कुछ है। तो प्लीज़ आप लोग जल्द से जल्द करें, अगर उसके बाद ये अवेलेबल नहीं होते तो आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। तो आप प्लीज़ इनको वहाँ पे जाके अवेल कर सकते हैं, या फिर अगर मान लीजिए कोई फ़ोन नहीं करना चाहता है तो ये उसके लिए ईमेल आईडी है, दैट इज़ streetzero1990@gmail.com। बस एट लास्ट एक ही बात आपको बोलना चाहता हूँ, हमेशा याद रखना, प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस करना कि मैं तो भाई मैंने तो टेस्ट पेपर मार्केट से खरीद लिए या कुछ और कर लिया, तो सिर्फ प्रैक्टिस से आपका काम परफेक्ट नहीं होगा, आप परफेक्शन को अचीव नहीं कर सकते हो। इट इज़ परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, मतलब सही तरीके से प्रैक्टिस की जाए, सही गाइडेंस में प्रैक्टिस की जाए, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, अपने गोल को अचीव कर सकते हो। उसके अलावा जाते जाते इस एक वीडियो को जरूर देखना, ये आपको शायद मोटिवेशन देगा काफी। Oh, Mozart is a genius. No, the first 10 years of Mozart's compositions were mere curiosities. It wasn't after 10 years
every great chess champion, every great athlete, every great entrepreneur, every great artist, every great author spent the equivalent of 10,000 hours toiling quietly on their craft before the first signs of genius showed up. It's not their skill. It's not their willpower. It's not about genetics. It's not about giftedness. Genius is about practice. Practice is the game changer. And if you do the practice, you get the results. तो दोस्तों बस आपसे इतना ही कहना था कि प्लीज़ प्रैक्टिस करें. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन.